लोग सच कहते हैं, शादी करना और घर बनाना बड़ा मुश्किल काम है। बच्चों को पालना आसान है, लेकिन उनकी शादी करने में कमर टूट जाती है। सुन रहे हो कि नहीं? मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ। 25 साल पहले के सपने देख रहा हूँ, तुम्हारी सुहाग रात की सोच रहा हूँ। हटो जी, ये क्या उम्र है वो सब बातें सोचने की? अब इलाहाबाद की कोठी में इनकी अपनी गृहस्थी बसा दे तो हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। कहाँ फंस गया यार? सड़िया शादी के लिए सुहाग रात? अरे निकलो यहाँ से। आउट। हो गए क्या? आधे घंटे से सासू जी समझा रही थी ऐसा करना वैसा करना, नहीं तो मैं बहुत पहले आ जाती। पहले क्या कौन सा तीर मार लेती तू? जबान अंदर कर। माय लाइफ इज रुइंड, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या कर, क्या करिए? पैर दबा रही हूँ। पैर दबा रही हूँ? मेरा गला दबा था, मेरा गला दबा। चल जाके सो जाओ उधर। अच्छा, मुझे जमीन पे सोने की आदत है। जय जय संतोषी माता, जय 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 संतोषी माता, जय जय। अरे अरे तुम तो फिसल गए जी, फिसल गए। अरे तुम तो, अरे ये क्या कर रही हो इस फर्श पर? तुम गोबर लगा रही हो? हाँ जी, हर शुक्रवार को पूरा घर गोबर से लिपना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी बाहर चली जाएगी। अरे तुम, आई माँ मेरी कमर। गलती क्या है? मैंने कोई गलती की क्या जी? नहीं नहीं, गलती तो मैंने की है, मैंने। और कान खोल के सुन ले, अगर फर्श पर कभी गोबर लगाए ना तो मेरे से। अबे उल्लू के पट्टे, बहू पे चिल्ला क्यों रहा है? जी वो पता नहीं, गोबर से घर लिपना शुभ होता है। तुम जैसे पढ़े लिखों की बुद्धि में ये रीति रिवाज समझ में नहीं आएंगे। बहू तू अपना काम कर, जो जी में आए कर तू, और तू इधर आंखें खोल कर चला कर। जी समझा? जी कर कर। ए जी, ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हो क्या? क्यों क्यों क्यों? अरे ये क्या है जी, उबटन तो नहीं? मुंह पे दाने निकल आए हैं क्या? दाने नहीं, तेरा सर निकला है, चल जाएगा से। क्यों रे, तू हर बात पे झिड़कता क्यों रहता है? इसे प्यार से नहीं समझा सकता? बहू मैं समझाती हूँ। शहर में बहुत गर्मी होती है, दौड़ धूप में चेहरा काला पड़ जाता है, इसलिए चेहरे पे क्रीम लगाते हैं। अच्छा, इसे लगाने से काले से गोरे हो जाते हैं? हाँ हाँ हाँ। और सुनो माँ, खूबसूरती के बारे में इसे ठीक तरह से समझा दो, क्योंकि इसे तो ब्यूटी कॉम्पिटिशन में जाना है। ऋषभ जी, तेरा दोस्त उसे मिलने आया है। अभी आया जी। बहू तू इसकी बात का बुरा मत मानना, इसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। नहीं सासू जी, मैं इनकी बात का बुरा नहीं मानती। अच्छा। ये क्या कर रही है? क्यों जी, मैं गोरी हो गई ना? चंदो जी, लोग ये क्रीम अपनी बदसूरती छुपाने के लिए लगाते हैं,
आप तो वैसे ही इतनी खूबसूरत हैं, इसे लगा के आप और खूबसूरत लगने लगी हैं। फंसती क्या है? कहाँ फंसे हैं यार? मैंने कोई गलती की क्या? और नहीं तो क्या? अपने मुंह पर तूने मेरा ये शेविंग क्रीम लगा लिया, शेविंग क्रीम। अब देखती क्या जामुद हो गया? जाना? Congratulations. मेरी तरफ से भी इस खाकसार की भी मुबारकबाद कबूल फरमाइए सरकार। किस बात की मुबारकबाद? बड़े पूछे हो यार, चुपके चुपके हाथ मार लिया, पार्टी देनी पड़ेगी। पार्टी मालूम होता है इन लोगों को मेरी शादी का पता चल गया है। साहब आपको बड़े साहब बुला रहे। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग किशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनको भी मालूम पड़ गया। हिंदुस्तान में हमारी कंपनी की जितनी भी ब्रांचेस हैं और उनमें जिस सेल्समैन ने सबसे ज्यादा कैसेट बेचे हैं उन्हें दिल्ली में गोल्ड मेडल दिया जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है हमारे यूपी स्टेट से तुम्हारा नाम सिलेक्ट हुआ है। ओह ये बात है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। उस फंक्शन में कंपनी की तरफ से हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को इन्वाइट किया गया है। आप अपनी पत्नी को भी ले जा सकते हैं। जी नहीं नहीं सर, मुझे एक टिकट चाहिए सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सुपर कैसेट्स की तरफ से और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुलशन कुमार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोगों की मेहनत और कोशिशों की वजह से आज हमारी कंपनी भारतवर्ष में सबसे सफल कंपनी हो गई है। हमारी टी सीरीज के रिकॉर्ड्स और कैसेट्स देश के कोने कोने में बजाए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले सालों में भी इसी तरह हमारी कंपनी सबसे ऊंचे स्थान पर रहे और हम हर साल इसी तरह फंक्शन करते रहें। अब हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुलशन कुमार जी आपसे दो शब्द कहेंगे। सज्जनों आप सबको मेरा नमस्कार। मैं गोल्ड मेडल पाने वालों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। दोस्तों मर्द की कामयाबी के पीछे हमेशा औरत का हाथ होता है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों को इनाम मिले हैं उनकी बीवियां उन्हें गोल्ड मेडल पहनाएं। अब मिसेस और मिस्टर राकेश खन्ना से मैं दरखास्त करूंगा कि वो डाइस पर आएं। Mrs. and Mr. Subramaniam from Madras, please come to the dais. हमारे फंक्शन में हमारी कंपनी के दो नुमाइंदे मिस्टर किशन सिंह इलाहाबाद से और मिस राधा बंबई से अकेले आए हैं। लगता है कि ये दोनों गैर शादीशुदा हैं, इसलिए मैं दरखास्त करूंगा कि अगर इन्हें इतराज ना हो तो ये दोनों एक दूसरे को मेडल पहनाएं। लीजिए पहले आप। अरे थोड़ा और लीजिए। बस कैरी ऑन। हेलो मिस्टर किशन। हेलो सर। होप यू आर कंफर्टेबल। यस सर। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच सर। आप कभी इलाहाबाद आई हैं? जी नहीं। देखने वाली जगह है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है वहां। हर 12 साल के बाद तो कुंभ का मेला लगता है। अच्छा। नदियों का संगम होता है और फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन हमारे इलाहाबाद के एमपी हैं। आप कभी बंबई आए हैं? नहीं बॉम्बे नहीं, पर सुना है वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, गाड़ियों की रेल पे लगी रहती है, लोग वहाँ चलते नहीं दौड़ते हैं,
बम्बई बताने वाली नहीं देखने वाली जगह है, आप जरूर आएगा। मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे जी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया है। थैंक यू पिताजी। ये मत समझना कि ये तेरी मेहनत का फल है जी। हमारी बहू साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी ये इसी के कदमों की बरकत है और इस मेडल के ऊपर तेरे से ज्यादा बहू का हक है। ले पहना दे इसे जी। अबे उल्लू के पट्टे सोच क्या रहा है, कहा ना पहना दे इसे, पहना। अबे अच्छी तरह से पहना जी। हम ले जाओ। अरे देख तो सही, किस्मत चमक रही है हमारी बहू की इस मेडल में। ये शोर नहीं है, म्यूजिकल टच है। मैं एक नई तरह का म्यूजिक कंपोज कर रहा हूँ। ये कॉम्पोजिशन नहीं, संगीत की बेइज्जती है। तबले में से ड्रम की आवाज, वायलिन में से सितार की धुन, ये कौन सा कॉम्पोजिशन हुआ भैया? अरे तुम क्या जानो, ये मॉडर्न कॉम्पोजिशन है। तबले में से तबले की आवाज, सितार में से सितार का सुर, ये तो कोई भी निकाल सकता है। अब मैं एक वीडियो फिल्म शूट करने जा रहा हूँ जिसमें मेरा मॉडर्न कॉम्पोजिशन है। तुम देखना मेरा कितना नाम होगा। नाम वाम कुछ नहीं होगा, लोग अपना सर पीट लेंगे सर। हाँ तुम्हें गोल्ड मेडल मिला है तो तुम मकड़ो मत, तुम सिर्फ एक सेल्स गर्ल हो और मैं एक क्रिएटर, संगीत का क्रिएटर। एक दिन वो आएगा जब मैं संगीत सम्राट बनूंगा, सारी दुनिया में मेरी जयकार होगी और तब तब तुम्हें मेरी काबिलियत का अंदाजा होगा। तुम्हारी ये पागलपन की बातें सुनती रही तो मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। दरवाजा बंद करके जा रही हूँ। क्यों? अगर तुम्हारे संगीत की आवाज बाहर गई तो पड़ोसी आकर तुम्हारी पिटाई कर देंगे। ओ मजाक उड़ाती मेरा। कहाँ जा रहे हो? जी वो घर में बड़ी गर्मी लग रही थी तो सोचा पार्क हुआ हूँ। ओ ठंडी हवा खाने जा रहे हो और वो भी अकेले अकेले? अबे उल्लू के पट्टे, अगर तू बीवी का बगैर इसी तरह ठंडी हवा खाता रहा तो मैं अपने पोते पोती का मुंह कब देखूंगा। जी जी के बच्चे, तू क्या समझता है कि शादी कर ली तो गंगा नहा लिया? अरे शादी के बाद ही तो परिवार शुरू होता है। तेरी नई नई शादी हुई है, बहू का कहीं बाहर लेके जा, उसका दिल बहला, उसे सिनेमा दिखा। सिनेमा? वो आज इतवार है ना तो हाउसफुल होगा, टिकट नहीं मिलेगा। तू बेटा है मेरा तो मैं भी तेरा बाप हूं, मुझे मालूम था कि तू बहाना करेगा, इसीलिए मैं पहले से ही दो टिकट लेकर आया हूं। ले चंदू बेटा। हाँ आई बाबूजी। क्या है बाबूजी? चंदू बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, किशन तुम्हें सिनेमा लेकर जा रहा है। सच्ची? अभी आई। घर में रहकर जो जिल्लत सह रहा हूं वो काफी नहीं है, अब घर के बाहर भी हंसी उड़ानी पड़ेगी। बाबूजी मैं आ गई। अरे वाह बड़ी सुंदर लग रही हो बिटिया। आ जाओ 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 जल्दी चलो, उनसे बायोस्कोप शुरू हो जाएगा। जाओ जाओ टाटा टाटा। अरे 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 क्या हुआ, चोट तो नहीं लगी? नहीं। अबे उल्लू के पट्टे दूर दूर क्यों जा रहा है? ए हाथ में हाथ डाल के चल चल, ऐसे ऐसे यहाँ जाओ जाओ जाओ। एजी 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 कैसी बेशरम औरत है, कपड़े तो पहने ही नहीं। हाँ ची 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 मत देखो उसे, मत देखो।
वो तो नंगी है। अरे ये तेरे जैसे गांव वाली नहीं है, शहर की लड़की है, मॉडर्न फैशनेबल समझी, और आजकल सब कपड़े ऐसे ही पहनते हैं। चार कदम पीछे चलो, पीछे जय राम जी की। कमाल है, शादी की और बुलाया तक नहीं। अरे लव मैरिज की है पट्टे ने। हाँ लगता है, लगता वाह वाह, इनका हेयर स्टाइल तो बहुत ही अच्छा है।